आना सब बहुत ज्यादा भीड़ भीड़ को देख के दोस्तों। अभी जो मेरे पीछे देख रहे हैं, जहाँ से लोग गेट के अंदर एंट्री कर रहे हैं, वहाँ पे जाके लोग एंट्री कर रहे हैं दोस्तों। तो वहाँ संगम जाने के बाद हम उस जगह चले गए जहाँ एक बड़े से रावण का स्टैचू बनाया गया है, उसे आग लगाया जाएगी दोस्तों। दोस्तों उधर जा रहे हैं, उधर एक रावण को जलाया जाएगा दोस्तों, आप वो भी देख लीजिएगा, यानी कि इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आपको वहाँ पर ले जाएंगे, शायद समय भी लग सकता है तो हमको वापस जाना पड़े, बट जितना कोशिश करेंगे हम आपको वे सीन दिखाएं जहाँ रावण को जलाया जाएगा। ओके दोस्तों, फिर आगे चलते हैं, आप चल के वहीं का सीन दिखाते हैं, थोड़ा बहुत आगे का शूट करेंगे रास्ते में का। जो लोग यहाँ पीछे देखिए, पीछे लोग बहुत सारे लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं उसी जगह जहाँ रावण का स्टैचू जलाया जाएगा। तो दोस्तों भी हम चले जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ जाते हैं, हमको वो जगह कहाँ मिलेगा जहाँ रावण को जलाया जाएगा। दोस्तों हम आ तो गए, ऐसा लगता है कि इधर एंट्री करना भी मना शायद है, देखते हैं क्या होता है, चलते हैं वहाँ भी। दोस्तों हमको जहाँ से एंट्री करना था वहाँ भी पुलिस वाले थे, अभी लोगों को वहाँ से वापस जाने के लिए बोल रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम दूसरा अपने जाने के लिए वहाँ पे पता नहीं है दूसरा वाला रास्ता अपनाएंगे, देखते हैं कि वहाँ तक जा पाते कि नहीं। अभी एंट्री गेट के सामने पुलिस का पहरा था, वहाँ जाना अंदर मना है क्योंकि वहाँ अगर रावण का पुतला जलाया जाएगा तो वहाँ बहुत सारे पटाखे जलेंगे और पटाखे से चोट लग जाने की शंका, इसलिए उन लोगों ने जनता को जाने का अलावा बंद कर दिया। उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, हम अंदर जा नहीं पाए, कोशिश कर रहे हैं कि हम अंदर जाएं, किधर से भी जाए रास्ता अपनाएं दूसरा वाला अंदर जाए। उसका अभी चल रहे हैं, देखते हैं कि कहाँ तक जा सकते हैं, मतलब जाएंगे रास्ता ढूंढ रहे हैं अभी। दोस्तों फाइनली हम अंदर आ चुके हैं, जहाँ पे लगा है रावण का पुतला, यानी उसे जलाया जाएगा। अभी हम आपको दिखाएंगे दोस्तों उस रावण के पुतले को भी जो जलाया जाएगा, और इसमें मोबाइल में तक लोग सिर्फ और सिर्फ रावण को ही देखोगे, मेरा दोस्त है। दोस्तों मैं आपको आज दिखा दूंगा कि रावण के पुतला जलाया जाएगा और राम बड़े बड़े 3 पुतले बनाए गए हैं, यानी 3 पुतले बनाए गए हैं और यहाँ बहुत ज्यादा मतलब रावण को दिखा दो, रावण को अभी दिखा दे, मतलब यहाँ बहुत ज्यादा शोर शराबा है, बहुत बढ़िया प्रोग्राम हो रहा भाई यार, आना सब समझो। दोस्तों देखो अभी जा रहे हैं राम बन के, रावण को जलाएंगे, अब दिखाते हैं आपको, ये देखो ये रहे श्री रावण, वो जो पुतले जलाए जाएंगे अभी क्या भी आपको देख लीजिए, दिखाते हैं आप इस वीडियो को देखिएगा जरूर दोस्तों। दोस्तों आप लोगों ने देखा रावण का पुतला, देख लीजिए अभी से जलाया जाएगा, अभी राम और लक्ष्मण एंट्री किए यहाँ पे, देखते हैं कितना समय लग जाएगा इसको जलाने में, भी हम देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे इस वीडियो को। सॉरी फोन आ गया मेरा। दोस्तों आज रावण का पुतला जहाँ जलाया जाएगा, और इस यहाँ इतनी ज्यादा भीड़ है, इतनी ज्यादा भीड़ है, अभी हम आपको दिखा देते हैं कितनी भीड़ है, आप देख सकते हैं भीड़ों की संख्या, लोगों की संख्या। बड़े बड़े बनाया गया और उनको पटाखों से भर दिया गया है, इसको जब जलाया जाएगा तो पटाखे इतने फूटेंगे कि यहाँ से लोग थोड़े बहुत भागने की कोशिश करेंगे जब पटाखे फूटेंगे। दोस्तों अभी समय बहुत ज़्यादा हो गया, समय बीतता जा रहा है, हम यहाँ पे खड़े हैं, देखते भी कितना समय लगेगा इस रावण के पुतले को चलाने में, कितना समय लगेगा। बहुत सारा शोर शराबा है, बहुत सारे इधर शोर हो रहा है, तो भाई आवाज़ों में शायद थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। दोस्तों हमको भी यहाँ खड़े हुए लगभग डेढ़ घंटे हो गए, डेढ़ घंटे अभी यहीं पे हम खड़े हैं, लेकिन जो ब्लैक वाला पुतला है, ब्लैक वाला वो रावण का पुतला है, शायद उसके जो भाई थे तुम लोग, शायद उनका होगा,
दोस्तों अभी कितना समय लगेगा आपको नहीं पता अभी कौन तो शायद आप लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे नहीं करेंगे मुझे तो नहीं पता। आप जब तक लाइक आएगा और व्यू आएंगे तभी हमको समझ में आएंगे कि इस वीडियो को कितना प्यार मिल रहा है। वीडियो के चलते हुए देखने के लिए हजारों की संख्या में यहाँ भीड़ है, हजारों लोग हैं, अपने घर के छत के ऊपर भी हैं। इस भीड़ को देखिए तो मैं बता दूँ कि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा है, हजारों लोग में यहाँ पे आए हुए हैं। भीड़ देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं। अभी ऐसा माहौल है लगता है कि तू बस थोड़ी देर में इस पुतले को जलाया जाएगा। अभी यहाँ माहौल बन चुका है कि इस पुतले को अब जलाया जाएगा, थोड़े समय और बचे हैं। रावण के पुतले को जला दिया गया, अभी देखिए जल रहा है, जल गया अभी दो बचे हैं। ज्यादा हो चुकी है कि हम जल्द 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 निकलना पड़ेगा, तो हम यहाँ फंस भी सकते हैं, भीड़ में घंटों तक फंस सकते हैं। ओके अभी दोस्तों इधर भीड़ बहुत ज्यादा है, हमको जल्द से जल्द इस भीड़ से निकलना होगा। अभी तलावन चल रहा है दोस्तों, हम लोगों ने तलावन के जलता देख लिया, बट यहाँ इतनी भीड़ ज्यादा है कि हमको फंसे हुए घंटों भी हो सकती है, इतनी ज्यादा भीड़ है, भीड़ को देख के। दोस्तों अभी हम भीड़ से बाहर आ गए, दोस्तों हम यहाँ भीड़ में कम से कम तो निकले हैं, 25 से 30 मिनट फंसे रह गए, इतनी भीड़ थी, तो इस भीड़ को क्या बताएं। दोस्तों हम उन लोगों को आते आते बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया, और मैं इस वीडियो के एंड तक यानी कि इस वीडियो को लास्ट में मैं यही कहूँगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यूट्यूब पर नया हूँ तो कुछ ना कुछ मैं बोलता रहता हूँ, कुछ ना कहीं मिसिंग कुछ होगा, तो उसके लिए आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा।
दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक लिए आप सभी को ढेर सारा एंड लव यू।